सो अगर जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी इंडिपेंडेंस डे आने में बस अब एक ही वीक बाकी है, तो मैंने सोचा कि ना आप सभी के लिए इसके लिए एक ट्यूटोरियल बना दिया जाए। एंड अभी इंस्टा पे भी जो ट्यूटोरियल है वो वायरल होने लगे हैं, तो उन्हीं में से मैंने एक ट्यूटोरियल उठा के मैंने कहा आप लोगों के लिए आज एक वीडियो एडिट किया है, तो गाइस चलिए आपको मैं सिखाता हूं। तो यहां पे गाइस देखिए आपको सबसे पहले करना है क्या, गाइस यहां पे आपको आप लोगों को अपने कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है एंड वीपीएन को पहले ही कनेक्ट करके रखना। उसके बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहां पे न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद गाइस आप लोग इस वाली वीडियो को डाउनलोड कर लेना है एंड इसको ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको करना है कि यहाँ पे ऐड वीडियो में जाना है। यहाँ से आप चाहो तो फोटो एंड वीडियो दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे गए सबसे पहले हम जो यहाँ पे ऑडियो को ऐड करेंगे एंड ऑडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा आप सभी को, तो ऑडियो को भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। अब गाइस देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले गाइस आप लोग अपनी जो फोटो है इसको फुल साइज़ कर लेना है वीडियो के हिसाब से जितनी वीडियो है। एंड उसके बाद गाइस आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे जो है मतलब इस तरीके से स्टार्टिंग में रखना अपने फोटो को। एंड उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन में जाना है, कॉम्बो में जाना है एंड यहाँ से गाइस आप लोगों को जो है ये वाला एनिमेशन लगाना है। अब गाइस देखें यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे एनिमेशन की आप लोग टेंशन मत लेना, कि क्योंकि जो आपको एनिमेशन ठीक लगे आपको अपने हिसाब से आप वो रख सकते हो, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से भी देख सकते हो एंड जो मैं सिखा रहा हूँ वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम तीन एनिमेशन कट करके लगाएंगे एक ही फोटो में, अगर आपके पास तीन फोटो हो तो आप तीन फोटो ऐड कर लेना, बाकी मैं एक ही फोटो में सारे एनिमेशन ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम दूसरे वाले में भी एनिमेशन में जाएंगे, ठीक है यहाँ पे, एंड उसका दूसरी फोटो लेंगे एंड इसमें एनिमेशन में जाएंगे एंड यहाँ से कॉम्बो में जाके एंड यहाँ से ये वाला एनिमेशन भी ले सकते हैं। अब गाइस अगर आप चाहो तो इन आउट में से भी एनिमेशन लगा सकते हो, मैं यहाँ पे कॉम्बो में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ना मतलब कि थोड़ा देर के लिए यहाँ पे मिल जाता है एनिमेशन, इसलिए मैं कॉम्बो में से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, अब हमारे यहाँ पे एनिमेशन लग चुका है, ठीक है। अब देखिएगा जिसके बाद आप लोग यहाँ पे करना क्या है, अगर आप लोग चाहो तो चला कर भी चेक कर लेना, बाकी यहाँ पे अब हम जो है इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जाएंगे इफेक्ट में, फिर वीडियो इफेक्ट में। वीडियो इफेक्ट में जाने के बाद आपको ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक एनिमेशन, ये वाला, ठीक है। एंड ये वाला एनिमेशन लेना है आपको। अब देखिएगा यहाँ पे इसकी जो इंटेंसिटी मेरे को ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे कम कर लूँगा, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे अराउंड इंटेंसिटी रखूँगा इसकी 7 तक, ठीक है, इतनी रखेंगे। एंड इसका जो लेंथ होगी पूरी वीडियो में रख देंगे जहाँ तक है, मतलब फ़ोटो हमारी वहाँ तक। एंड बाकी फाइनल रिजल्ट जो है हमारी वीडियो का ये है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं। बाकी मैंने इंट्रो में भी मैंने ज़्यादा नहीं लगाई थी वीडियो को, मैंने कट करके लगाया था ताकि जो है मतलब कि कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह क्लेम वगैरह ना आए, इसलिए। बाकी अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। बाकी गाइस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।